Hello and welcome people, this is Rankar Anjaneya Sro and you are watching me Starlight Entertainment and I am back here again with another interesting update from the world of television. खबर है ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेके खबरें हैं पोस्ट जनरेशन लीप के लेके आपको बताना चाहेंगे। जैसे जनरेशन लीप पे हमने आपको पहले बताया था कि इस वक्त जो करंट कास्ट है हर्षा चोपड़ा प्रणाली राठौर की, तो हर्षा चोपड़ा की हो जाएगी एग्जिट, प्रणाली राठौर को रिटेन करके रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हर्षा चोपड़ा की जगह पे कौन सा वो है एक्टर जो कि आने वाले वक्त में प्ले करने वाला है लीड एज इन ये रिश्ता क्या कहलाता है। रणदीप राय के नाम को लेकर अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। रणदीप राय आपको बताना चाहिए ये उन दिनों की फेम, ये उन दिनों की बात है में दिखाई दिए थे हमें लास्टली। उसके पहले आपको बताना चाहिए हमेशा जो DKP प्रोडक्शन है, राजन शाही का जो प्रोडक्शन है, हमेशा से ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए फ्रेश फेसेस को लाने के लिए हमेशा से जाना जाता है। लेकिन अब किस तरह से वो लोग कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल के लिए तो बात पक्की है कि प्रणाली राठौर जो है वो आगे भी कंटिन्यू करने वाली हैं और हर्षद चोपड़ा को जो है वो एग्जिट करा दिया जाएगा। किसी एक एंट्री कुछ होने वाली है जिसके हिसाब से वहाँ पे अब इस बात को लेके कंफर्मेशन नहीं है अभी कि हर्षद चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो आगे ले जाके कौन प्ले करने वाला है, और इवन जो उनका बेटा है अभीर उसका किस हिसाब से कैरेक्टर को एग्जिट कराया जाएगा। खैर हालांकि अभी के लिए फिलहाल यही थी खबर। आपका क्या कुछ कहना है पूरे के पूरे मामले में, आप किसको देखना पसंद करेंगे एज एन लीड टू रिप्लेस हर्षद चोपड़ा पोस्ट लीड, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख के बताएं। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।